मंडल के गांव जमालगढ़ के गणमान्य लोगों ने गांव में एक पंचायत की, जिसमें गांव के पूर्व सरपंच सहित दर्जनों लोगों ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने करेसर प्लांट संचालकों द्वारा गांव के लोगों पर दर्ज कराए गए मामले को झूठा व निराधार बताते हुए पुलिस कप्तान संगीता कालिया से निष्पक्ष जाँच कराने के साथ ही मामले को खारिज करने की मांग की है। गाँव के पूर्व सरपंच इमदाद खान, सुलेमान असलूब, हनीफ अब्दुल रजा, फारूक आस मोहम्मद सहित लोगों ने बताया कि उनके गांव की सीमा से लगते हुए करीब आधा दर्जन क्रेशर प्लांट चल रहे हैं, जिन पर उनके गांव के कुछ लोग पत्थर बेचने का भी काम करते हैं। कुछ दिन पहले पत्थर बेचने को लेकर ही प्लांट संचालक से कहा सुनी हुई थी, जबकि उनके खिलाफ संचालकों द्वारा पत्थर चोरी व अवैध वसूली करने की झूठी शिकायत पुलिस को देकर मामला दर्ज कराया है, जो कि पूरी तरह से झूठा व निराधार है। इसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है, जिसको लेकर वो जांच में पूरी तरह से शामिल होने को तैयार है। फारूक, ये जो पुलिस ने मुकदमा दर्ज पूरी उम्मीद है हुआ है और इन क्रेशर प्लांट वालों ने कराया है, क्या मामला है, क्या सच्चाई है? वैसा सच्चाई तो सकेट गांव में पतो है, जैसे लोगों खारिज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गांव का एक प्रतिनिधि मंडल इस मांग को लेकर जल्द ही पुलिस कप्तान व आईजी रेवाड़ी से मुलाकात कर उन्हें भी मामले से अवगत कराया जाएगा। जमालगढ़ से मोहम्मद असलम की रिपोर्ट, एमटीवी बेवात को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि हमारी खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। ऐसा जी, आपको भी पता है मैं 10 साल गांव का सरपंच रहा हूं। आपको ऐसा लगता है कि हम लूटते हैं किसी को या हम उगाही करते हैं? ये मशीन वाला से इनका, मेरा छोटा भाई इनके पास पत्थर गिर था, उनकी छोटी मोटी रेंच थी, इसलिए मतलब पुलिस प्रशासन ने यहाँ कहने दबाव में मुकदमा किया है। वो सब मांग करते हैं पुलिस कप्तान से, महोदय जी इसमें निष्पक्ष जाँच कराई जाए और हमें उम्मीद है ये पर्चा खारिज होगा, निष्पक्ष जाँच होगी। ये मुकदमा पूरी तरह झूठा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सच्चाई एक बाढ़ के बराबर भी सच्चाई नहीं है, और ये खारिज होगा, हम पुलिस कप्तान से मांग करते हैं। तीन हालात चल रहे हैं अभी, छोटी प्रशासन ने पतो, छोटी मोटी ये मजदूरी करने वाला बालक है, अभी इन कोई लेन देन चल रहा हो, अब पैसे दे ली इन्हें ना दे में, इन कोई गाड़ी घोड़ा ये पिंचर हुए हो या कि जो भी हुए हो वो रास्ता में खल गए, अब वह उठा में ना, फिर उन खुदन नहीं कहे के मानो तासु रास्ता अजमत सरपंच पर कटवा दिए शुरू में ही, आपन नहीं कह के। बाकी जो और प्लांट जो चल रहा है भाई, वन की एलर्जी सुख ये मत चले, ई मैटर हो जी, हमें अभी नहीं मुकदमा दर्ज करवाया, बिल्कुल साधना झूठ है जी, तो ऐसा कोई मैटर ना है, ना लूट खसोटीन हुई, मैं भी प्लांटन पे ही रहूँ हूँ 24 घंटा, डी के ग्रेट उद्योग है जो मेरा ही प्लांट में है, हरियाणा स्टोन है, एसके स्टोन है, मदीना स्टोन है, ये सटेट अपना ही परिवार का है, और मैं तो 24 घंटा ही वहीं रहता हूँ, कोई भी सेठ या कोई भी करेसल प्लांट मालिक या कहे कि भाई इन डकैती हो रही है, वो हो रही है, ये आमने सामने कहें, ये तो बेफिजूल बात है जी। और जिस भी आदमी ने ये करवाया वो सबसे बड़ा झूठा आदमी है, जिसने मुकदमा करवाया उसका तो यकीन ही मत करे जी।